टेंथ के मैथ का ट्रिगोनोमेट्री है एनसीईआरटी से पार्ट 20। तो पार्ट 20 से एक्सरसाइज प्रारंभ कर रहे हैं, पार्ट 19 तक थ्योरी ही बतलाए हैं। तब कहोगे प्रश्नावली 8.1 होना चाहिए, लेकिन हम 8.3 को पहले पढ़ाएंगे, तब 8.2 को, तब 8.1 और अंत में 8.4 तथा 8.5 तक है। तो 1 point नहीं, 8.1 से ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम्स स्टार्ट है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 8.3 से, समझ गया। तो 8.2 और 8.1 इसके बाद पढ़ेंगे। तो यहीं से देखो, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान निकालना है। पहला का पहला, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर कितना होगा। तो जैसे कभी भी एक्स बटा एक्स कटेगा, एक्स बटा वाई तो नहीं कटेगा, ऊपर नीचे समान करो, साइन को या तो कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में बदल लो। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए फार्मूला जो पीछे बतलाए हैं अब याद करो। साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, फिर आ जाओ, या कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये फार्मूला बतलाए हैं ना। तो साइन को देखो, कॉस वाला रूप क्या है, साइन अल्फा के जगह तू कुछ भी दे सकते हो। अगर यहाँ पर दोगे साइन थीटा तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, समझ गया। अगर यहाँ देंगे ये थीटा तो एंगल है, कोण है साइन 5 डिग्री, तो साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो अल्फा के जगह 5 डिग्री दिए तो यहाँ भी 5 डिग्री देंगे, समझ रहे हो बात को। तो साइन 18 डिग्री को हम लोग कॉस के रूप में बदलेंगे, तो क्या होता है, क्योंकि परिभाष फार्मूला से साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये होता है जी। तो यहाँ अल्फा के जगह कितना है, अल्फा तो कौन है, तो यहाँ 18 डिग्री है, इसका मतलब अल्फा यहाँ पर 18 डिग्री है। तो यहाँ अल्फा बराबर 18 डिग्री दिया हुआ है, साइन के साथ अल्फा है, साइन के साथ 18 है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन अल्फा के जगह अब 18 डिग्री दो, तो साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री, अल्फा कितना है 18 डिग्री, तो 18 डिग्री, इसीलिए साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 90 में से 18 घटाएंगे 72 होगा, तो 72 डिग्री। अब जो है साइन 18 डिग्री का मान, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री में साइन 18 डिग्री का मान बैठा दो, तो साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री हुआ। अब साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री में साइन 18 डिग्री का मान रखने पर कितना होगा, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री कितना निकला, साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री, नीचे में हो गया कॉस 72 डिग्री, ऊपर नीचे आंसर समान मिल गया, तो 1/1 बराबर 1 आंसर, समझा इसको। इसको ऐसे भी बना सकते हैं दूसरे ढंग से, हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री को हम लोग इस कॉस के रूप में बदले थे, अब कॉस को भी तो साइन के रूप में बदल सकते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है ना, तो साइन 18 डिग्री रहने देंगे, और यहाँ पर कॉस अल्फा
कॉस 72 डिग्री यानी अल्फा के जगह 72 डिग्री है, है ना। तो कॉस अल्फा बराबर इतना, यानी अगर हम लोग फिर निकाले कॉस अल्फा के जगह कितना है 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री। अल्फा का मान कितना है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री ये कितना हो गया साइन 90 में से 72 घटाएंगे 18 डिग्री, यानी कॉस 72 डिग्री बराबर साइन 18 डिग्री होगा। तो कॉस 72 डिग्री के बदला यहाँ लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री, ऊपर नीचे मिल गया कट गया बराबर एक आंसर। ये फार्मूला दिखलाएं कॉस में, कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो कॉस अल्फा की जगह 72 डिग्री है, तो अल्फा की जगह यहाँ 72 दे दो तो उतना हुआ, समझा। तो दोनों ढंग से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो पहली विधि, इस टाइप का जो प्रॉब्लम रहे तो tan को या तो cot में बदल दो या cot को tan में बदलो, तब ऊपर नीचे कट जाता है। तो tan 26 डिग्री यानी हम लोग अगर ले tan थीटा, तो ये तो फार्मूला साबित करके बतला दिए हैं, tan थीटा कहो tan अल्फा कहो tan बीटा कहो, तो tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ tan 26 डिग्री है यानी tan थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 26 डिग्री है, तो थीटा के बदले अगर हम लोग 26 डिग्री बैठाएंगे तो कितना होगा, इसीलिए tan 26 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री, और थीटा के जगह है 26 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा के जगह 26 डिग्री होगा। तो cot 90 में से 26 घटाओ 64 होगा, cot 64 डिग्री, इसीलिए tan 26 डिग्री बराबर कितना cot 64 डिग्री। अब इसमें जो है tan 26 डिग्री का मान बैठा दो cot 64 डिग्री, अतः tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो tan 26 का मान हम लोग निकाले, ये हुआ है cot 64 डिग्री और नीचे में है cot 64 डिग्री, तो ऊपर नीचे मिल गया तो कट करके 1/1 बराबर एक आंसर होगा, समझ रहे हो। छोटा छोटा ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, विकल्प में दे देगा इतना बराबर, तब देगा 1, 2, 3, 4 या कुछ भी, तो फार्मूला आते रहने पर तुरंत निकल जाता है। ये तो हम लोग tan को cot में बदले, cot को अगर tan में बदले तो पर भी एक ही आंसर आएगा। देख लो दूसरी विधि में, cot को tan में बदलना है, चूँकि cot अल्फा कहो या थीटा कहो या बीटा कहो, cot अल्फा बराबर tan 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये तो फार्मूला होता है। अब अल्फा के जगह देखो cot के आगे में अल्फा है, यहाँ cot के आगे 64 डिग्री है, यहाँ cot 64 डिग्री देंगे अल्फा का मान, तो अल्फा का मान यहाँ भी 64 डिग्री देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, और cot अल्फा 64 डिग्री है, 64 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो ये हो गया tan 90 में से 64 घटाएंगे 26, इसीलिए cot 64 डिग्री बराबर tan 26 डिग्री होगा ना। अब जो है इतना बराबर कितना होगा, अतः tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो हम लोग cot को, cot 64 को बदले हैं तो tan 26 डिग्री मिला है, ऊपर वाला tan 26 डिग्री रहेगा ही, और cot 64 डिग्री कितना हो गया tan 26 डिग्री, ऊपर नीचे आंसर मिल गया तो कट करके एक आंसर होगा, यानी दोनों विधि से एक ही आंसर हो रहा है, समझ रहे हो ना। फार्मूला आना चाहिए जो कि साबित करके बतला दिए हैं पिछले वाला पार्ट सब में। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2।
तीसरा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान निकालना है कितना होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कॉस को या तो साइन में बदल दो या साइन को कॉस में बदल दो, समझा। इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो इतना बराबर कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है। तो कॉस 48 डिग्री बराबर क्या होगा, तो अल्फा की जगह 48 है तो कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कॉस 1 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, कॉस 48 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, यहाँ 48 होगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गया 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 90 में से 48 घटेगा कितना, 42 होगा, 90 रुपया में से 48 रुपया घटाओ 42 रुपया, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री में से 42 डिग्री घटाएंगे तो शून्य आंसर, समझा। अगर तू कॉस 48 को साइन में नहीं बदलो तो साइन को ही कॉस के रूप में बदलो। तो दूसरी विधि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस को नहीं बदल करके साइन को बदलना है। तो ये हो गया कॉस 48 डिग्री, साइन अल्फा बराबर कितना होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो साइन 42 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री होगा ना। तो ये हो गया कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 90 में से 42 घटाओ 48 होगा, तो कॉस 48 डिग्री में से कॉस 48 डिग्री घटाएंगे तो शून्य होगा, दोनों स्थिति में शून्य आंसर हुआ, समझ रहा है ना। अब चौथा देखो, वहीं फिर फार्मूला वाली बात, कॉस एक अल्फा बराबर होता है सेक 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ पर कॉस एक अल्फा, अल्फा की जगह देखो 31 डिग्री है, तो कॉस एक अल्फा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कॉस एक अल्फा का मान 31 दोगे तो कॉस एक 31 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, अल्फा का मान यहाँ 31 डिग्री दिया है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस एक 31 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, बोलो समझा, इसको समझा ना। तो ये हो गया सेक 59 डिग्री, अब सेक 90 में से 31 गया 59 होगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री कितना, बोलो होगा। ये कॉस को सेक में बदले, सेक को भी तो कॉस सेक में बदल सकते हैं, ये तो फार्मूला होता है दूसरी विधि कॉस सेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कॉस सेक 31 डिग्री, इससे पहले कॉस सेक को देखो सेक में बदले हैं, अब सेक को कॉस सेक में बदलना है, तो सेक 59 डिग्री बराबर सेक अल्फा बराबर कॉस सेक 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो सेक 59 डिग्री बराबर कॉस सेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ये हो गया तुमको कॉस सेक 31 डिग्री माइनस कॉस सेक 90 में से 59 घटाओ 31 डिग्री। अब यहाँ कॉस सेक 31 डिग्री माइनस कॉस सेक 31 डिग्री बराबर जीरो, तो दोनों स्थिति में देखो जीरो आंसर आया है, किसी भी विधि से बनाओ। इस टाइप के हिसाब को जो है ना फार्मूला आधारित है, इसी टाइप से बनाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम है दिखाइए कि, यानी साबित करना है। तो पहला क्या साबित करना है, तो तीन करना है, ये चारों का गुणनफल एक होगा। तो जितना भी फार्मूला बतलाए हैं उस फार्मूला को जब ध्यान में लोगे
तो पता चला चलेगा एक फार्मूला है टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर वन बतलाए हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कहने का अर्थ दो बटा तीन का उल्टा तीन बटा दो, दोनों को गुना करोगे तो एक होगा। तो ये सब साबित करके दिखला दिए हैं, समझा ना। तो टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर अगर वन होता है तो अल्फा का मान यहाँ तू कुछ भी ले सकते हो, जीरो डिग्री लेंगे तो टेन जीरो डिग्री इंटू कॉट जीरो डिग्री बराबर वन। अगर अल्फा बराबर मान लो दो डिग्री लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, टेन अल्फा दो डिग्री इंटू कॉट दो डिग्री बराबर वन। ऐसा ना जो यहाँ दो डिग्री लो यहाँ बीस डिग्री लो, समझ गया ना। फार्मूला में दोनों कोण समान है तो यहाँ अगर मान लो दो डिग्री लेंगे तो यहाँ भी दो डिग्री ही लेंगे। तो इस तर्ज पर हम लोग मिलेंगे। जैसे एक बात ये भी याद रखना है, यहाँ इतना बराबर वन साबित करना है तो हम लोग LHS का मतलब L से लेफ्ट, H से हैंड, S से साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ऐसे हाथ करो, ये दायां हाथ है राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो बराबर के आगे RHS दाएं भाग, बराबर के पहले बाएं भाग, यानी LHS, समझ गया। तो LHS बराबर एक होगा बाएं साइड का, ये साबित करना है। तो LHS बराबर से पहले को कहेंगे जो दिया हुआ है, LHS बराबर टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। अब इसमें क्या ब्रेन लगाना है, तो फार्मूला को ध्यान में रखना है। फार्मूला में पढ़े हो टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ अल्फा का मान मान लो हम 50 डिग्री लेते हैं तो यहाँ भी अल्फा का मान 50 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया टेन 50 डिग्री बराबर कॉट 90 में से 50 घटाओ 40 डिग्री। तो इससे पहले ही बतला दिए हैं टेन और टेन बराबर कॉट रहे तो यहाँ कौन कोण दोगे, यहाँ कौन सा कोण दोगे। तो ऐसा सेटिंग करना है, देखो 50 और 40 90 होता है, इसका अर्थ है यहाँ अगर हम 40 डिग्री यहीं पर दे तो यहाँ पर 50 डिग्री देंगे। जैसे टेन 40 डिग्री बराबर कितना होगा, तो कॉट में सीधे फार्मूला के अनुसार टेन 40 डिग्री बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी टेन अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो अल्फा यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ भी 40 डिग्री होगा। अब टेन 40 डिग्री बराबर 90 में से 40 घटाओ तो 50 होगा, तो कॉट 50 डिग्री होगा, तो कॉट 50 डिग्री। तो फिर देखो निष्कर्ष, 40 और 50 दोनों को जोड़ोगे तो 90 होगा। कौन समझ रहे हो बात को। तो इसी तरह इसमें यही व्यवस्था है, एक टेन को यहाँ चारों टेन में मान है तो दो को कॉट में बदलेंगे और इस तरह बदलेंगे। जैसे देखो किसको किसको जोड़ करके 90 हो रहा है, तो टेन 50 डिग्री बराबर सीधे पूछे कॉट में, तो 90 पुराने के लिए 50 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा 40, तो टेन 50 डिग्री बराबर कॉट 40 डिग्री। अगर बोला जाए टेन 80 डिग्री बराबर कॉट में कितना डिग्री, तो बोलो तो दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो 80 या 10 90 होगा ना। तो टेन 80 डिग्री बराबर कॉट 10 डिग्री। यहाँ पर हम लोग ये लेंगे जो जैसे मान लो टेन 48 डिग्री, और फिर ध्यान दो 48 और 42 होता है 90 होता है ना, तो टेन 42 को यहाँ लिखेंगे टेन 42 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री, सब लिख लिए। अब इसमें क्या करना है,
मान लो 10:48 को कोट में बदलो या 10:42 को, बात है बराबर है। जैसे 10:48 डिग्री को ही बदलेंगे तो कोट 10 अल्फा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस अल्फा पर निकालो तो 10 अल्फा, अल्फा का मान 48 डिग्री है, तो यहाँ 48 डिग्री तो ये कितना हो गया कोट 90 में से 48 गया 42, तो देखो तो 48 और 42 90 हुआ, तो 10:48 है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, फार्मूला से लिख सकते हैं। तो कोट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ये आया 10:48 डिग्री का मान, इसको रहने ही देंगे अब, इसीलिए इसको रहने देंगे। ये कोट में 42 डिग्री आ रहा है तो कोट 42 डिग्री इंटू 10:42 डिग्री बराबर 1 होगा, क्योंकि कोट अल्फा इंटू 10 अल्फा बोलो या 10 अल्फा इंटू कोट अल्फा बराबर 1, तो ये दोनों के लिए यहाँ 1 हो जाएगा। जैसे 10:48 डिग्री बराबर इतना लिखे हैं, फिर कंफ्यूजन में नहीं आओ, 10 अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। अब 10:48 है तो अल्फा का मान 48 रखो, तो अल्फा का मान 48 रखेंगे, तो 10 को हम लोग किस में बदल दिए, 10:48 को कॉट ये 42 डिग्री में, यानी इतना 10:48 बराबर इतना होगा, यही ने लिखे हैं, अब नहीं कन्फ्यूजन है। इसी तरह देखो 10:23 को या तो काउट काउट में बदलो या 10:67 को काउट में बदलो, ये दोनों में से एक को बदलेंगे, मान लेते हैं इसी को बदलेंगे, तो 10:23 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 10:23 डिग्री बराबर 10 अल्फा बराबर काउट 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा का मान 23 डिग्री है, तो 10:23 डिग्री बराबर काउट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री होगा, बोलो तो 10:23 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, काउट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं इंटू 10:23 डिग्री, तो काउट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ये इसके लिए लिखे, अंत में है 10:67 डिग्री। इसीलिए जो दोनों का गुणनफल अब देखो 1 हो जाएगा, साबित करना है बराबर 1, तो फार्मूला में तो पढ़े हो ना, अच्छा कॉट 90 माइनस 48 कॉट 42 डिग्री हुआ इंटू 10:42 डिग्री इंटू कॉट 90 में से 23 गया 67 डिग्री इंटू 10:67 डिग्री। अब इसलिए बदले कॉट अल्फा, 42 डिग्री को अल्फा मान लो, तो कॉट अल्फा इंटू 10:42 डिग्री को अल्फा माने हैं, तो कॉट अल्फा इंटू 10 अल्फा बराबर 1, फार्मूला से पता है ना, तो ये दोनों हो गया तुमको, इसका गुणनफल 1 इंटू यानी गुना, इसका गुणनफल कॉट अल्फा इंटू 10 अल्फा बराबर 1, 1 × 1 बराबर 1, और बराबर के आगे यानी राइट हैंड साइड में 1 दिया हुआ है, तो लिख देंगे बराबर RHS, यानी राइट हैंड साइड में ये 1 है प्रूव्ड, यानी इतना बराबर 1 साबित हो गया, समझा इसको कि कोई कन्फ्यूजन है नहीं ना। अब इतना बराबर 0 साबित करना है, ऐसी स्थिति में हम लोग LHS बराबर के पहले वाला ही लेंगे, तो LHS में है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पर देखो दोनों ओर साइन है, ये जीरो कैसे होगा, या तो हूबहु ऐसा ही कॉस 38 और कॉस 52 यहाँ पर आ जाए, या साइन 38 और साइन 52 डिग्री है यहाँ पर भी साइन 38 साइन 52 आ जाए, तो अपने आप समान चीज में से समान घटेगा तो जीरो हो जाएगा,
तो इसमें ब्रेन लगाना, जैसे इसको प्रथम विधि मान लो, कॉस अल्फा 38 डिग्री हो गया अल्फा, कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है ना, तो कॉस 38 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, समझा इसको, 38 डिग्री को अल्फा मान लो, तो कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा का मान 38 है, यहाँ 38 लिख दिए। देखो आगे में साइन वाला है, तो एक कॉस को साइन के रूप में लाए, दूसरा कॉस को भी साइन के रूप में कैसे लाएंगे, 52 डिग्री को अल्फा मान लो, तो कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा के तर्ज पर तोड़ो, तो इनटू कॉस 52 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, यानी साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा के तर्ज पर तोड़े। फिर आगे में जो है, क्योंकि यहाँ भी साइन आ गया, अब साइन वाला रहने दोगे तब न समान चीज में से समान घटाएंगे तो शून्य होगा, तो यहाँ ये माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, अब साइन 90 में से 38 घटाओ तो 52 डिग्री इंटू साइन 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 डिग्री, फिर माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, मिलाओ हूबहू मिल गया, ए इसको मानो इसको बी, तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, यहाँ 52 डिग्री बाद में है, पहले 38 डिग्री, तो नहीं अंतर पड़ता है, ए बी माइनस बी ए लिखो या बी ए माइनस बी ए लिखो, बात है बराबर, तो इतना में से इतना घट गया तो समान है दोनों, तो शून्य होगा, तो बराबर शून्य, बराबर के आगे दाहिने साइड आर एच एस में शून्य है, तो लिख देंगे बराबर आर एच एस, यानी आर एच एस के बराबर हो गया प्रूव्ड। और दूसरी विधि, कॉस को हम लोग साइन में बदले तब आगे वाला को साइन में ही रहने दिए, ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस रहने दे साइन को ही कॉस में बदल लो, ऐसा भी कर सकते हो, तो इसको दूसरी विधि मान लो, अब कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो साइन 38 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री होगा, तो साइन 38 डिग्री को लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, फिर इंटू के बदला इंटू साइन 52 डिग्री को क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, अब ये हो गया कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 90 में से 38 घटाओगे तो 52 डिग्री, कॉस 90 में से 52 घटाओगे तो 38 डिग्री, देखो हूबहू मिल गया, इसको ए मानो इंटू इसको बी मान लो, तो माइनस इसको कॉस 52 को बी माने हैं, बी इंटू ए, ए बी माइनस बी ए को लिख सकते हैं ना, ए बी माइनस ए बी बराबर शून्य, तो सेम कहानी, तो इतना बराबर हो गया शून्य, बराबर आर एच एस राइट साइड जो दिया हुआ है प्रूव्ड। तो इस तरह फार्मूला आने पर जिसको साबित करके बतलाए हैं, इस हिसाब सब में कोई दम नहीं है, इतना को समझ गया, अब अगले पार्ट में।